पता चल रहा है ना मेरा हाइट, जरा सा भी मुझे झुकना नहीं पड़ा, मतलब कोई सा भी 200। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और आप लोग पहले तो कमेंट करके बताओ कि आप लोग मुझे मिस किए या नहीं। पिछले 6 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा, आप लोग कभी कमेंट ही नहीं करते हो, मतलब कोई मेरी कोई फीलिंग नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। तो मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, छोड़ो हटाओ, कभी और बताऊँगी। तो अभी मैं आई हुई थी इधर फॉर्म भरने के लिए, उसमें भी लग गया लोचा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाता है। अभी परसों का मेरा ट्रेन है, मुझे कहीं निकलना है, तो जब जाऊँगी तब आप लोगों को बता दूँगी कहाँ जाना है। फिलहाल तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि मैं जाऊँगी भी या नहीं, बस टिकट कटा हुआ है। एंड या अभी मैं थोड़ा काम ये मार्च का मौसम कितना प्यारा होता है ना, एकदम कलरफुल सा, फ्लावर्स वगैरह होता है। लगता है संडेज में फिर से कुछ होने वाला है, उधर में पंडाल लगा हुआ है, तो जब उधर जाया जाएगा तो देखा जाएगा। बस मैं है वही संडेज आ गई हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे मन नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि पढ़ाई करते करते मैं बोर हो जाती हूँ, आप लोगों के साथ भी बेशक होता होगा। तो चलती हूँ उधर, क्योंकि इधर आज मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, बहन भी आज आई हुई नहीं है, तो बस अकेले ही आना पड़ा। मेरा बहुत मन, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो मेरा मन कर रहा था बाहर आऊँ, क्योंकि फिर मुझे मार्केट भी निकलना है। सत्यम एक टेडी बियर ला के रखा है विदाउट रुई का, वो दीदी के घर से उठा के ले आया। अब रुई लाने के लिए डेली परेशान करता है, मेरा रुई ला देना। तो उसका रुई लाने के लिए आज मार्केट जाना है, तो कितना ज़्यादा रुई लगेगा उसमें कोई आइडिया भी नहीं है। आई थिंक 1 किलो लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सा टेडी बियर है। और तो लेने जाऊँगी शाम में, क्योंकि अभी तो मार्केट आई थिंक बंद ही होगा। सो थोड़ा इधर घूम लेती हूँ, और संडे से भी काफ़ी डेवलप कर रहा है, मतलब पीछे ये सारा ही हैंडलूम वाला कपड़ा है, प्रिंटेड है, ये तो हैंड प्रिंटेड है मधुबनी, जो कि मैं भी बनाती हूँ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका आयोजन बिहार स्टेट शिप एंड वूल मिल, ये सब कैसे मीटर है, 200 रुपये द्वारा किया जा रहा है। एज ए व्लॉगर मुझे भागलपुर में बहुत ज्यादा लोग जानने लगे हैं, मतलब ठीक है यार। ये सब दुपट्टा है, क्या प्राइस है? 200। एक आध दिखा दीजिए ना वीडियो में। कोई सा भी 200। ये सब कैसे मीटर है? सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हैंडलूम दुपट्टा साड़ी कपड़ा, जिसका कि आप लोग कुर्ती भी बनवा सकते हो। जो भी मेला लगा हुआ है वो 28 अप्रैल शायद आज ही है ना, तो आज से ही लगा है एंड 10 अप्रैल तक रहेगा, 28 मार्च से 10 अप्रैल तक रहेगा। तो आप लोग अगर भागलपुर से मुझे कोई देख रहे हो मेरा ब्लॉग, तो आके एक बार विज़िट करना, सारा ही हैंडमेड होता है, तो काफ़ी सही कपड़ा होता है। वैसे तो ये सब मेरे घर के आसपास ही बनता है, तो मेरे लिए तो ये सब नया नहीं है, आप लोगों के लिए बेशक नया हो, तो आके एक बार देखना, विज़िट करना, एंड मन हो तो लेना।
अपना भागलपुरी सिल्क है यार, तो मेरा इधर का काम हो गया, मतलब अचानक से ही ऐसा ये देखने को मिला, तभी मैं जा रही हूँ मार्केट सत्यम का काम कर लूँगी, उसके बाद फिर सीधा घर, क्योंकि फिर मुझे निकलना है तो पैकिंग वगैरह भी करना होगा। सो यार चलती हूँ मैं जल्दी से घर। और आज सैंडिस कितना शांत है, मतलब सैंडिस शांत नहीं है, मेरा टाइमिंग ही गलत है। अभी बज रहा है 4, तो 4 बजे ऐसा ही कुछ होता होगा ना, मतलब 4 बजे कौन ही धूप में आएगा पागल की तरह, मेरी तरह थोड़ी कोई पागल है कि 4 बजे उठ के आ जाएगा। वैसे है इतने सारे लोग हैं, बट इस करके बताओ ये जो रॉड लगा हुआ है इसके नीचे से मैं पास कर पाऊँगी नॉर्मली या झुक के पास करूँगी, बताओ जल्दी, इससे आप लोगों को मेरा हाइट भी पता चल जाएगा। जल्दी से गैस करके कमेंट करो, वीडियो आगे देखने के बाद कमेंट मत करना। मैं अभी मुझे झुकना नहीं पड़ा, मतलब समझ रहे हो ना मतलब इतनी छोटी हूँ मैं, समझ जाओ। वैसे इतना भी छोटी नहीं हूँ, नीचे का जो ज़मीन होता ना वो हल्का सा स्लोपी था, इसलिए शायद मैं अंदर से निकल गई। तो अभी मैं निकल गई हूँ सैंडिस के बाहर, मतलब टूटा हुआ गेट, तो ये अंदर में गेट बन रहा है पता नहीं, और उस साइड में जो गेट बन रहा ना पूरा ऐसे करके राउंड सा है, बड़ा सही लगता है, इधर से ज़्यादा बेटर उधर का है। खलीफाबाग जाएंगे, खलीफाबाग हाँ एक है, उधर तो मिल जाएगा ना आपको पैसेंजर। अच्छा यहाँ अगर सिंगल लोग रहोगे ना तो खलीफाबाग के लिए ऑटो नहीं मिलेगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, उनको 4-5 लोग चाहिए। अब बताओ मैं कहाँ से 4-5 लोग लाऊँ, अकेले हूँ तो कहाँ से लाऊँ। देखती हूँ उस साइड में मिलेगा तो, क्योंकि उस साइड भी वही है, 2-3 पैसेंजर अगर ऑलरेडी भरा हुआ होगा तभी बैठाएंगे, नहीं तो नहीं बैठाएंगे। मतलब सिंगल पैसेंजर को खलीफाबाग लेके नहीं जाना है तो नहीं जाना, कसम खा के रखते हैं ऑटो वाले भैया लोग। तो चलती हूँ, देखो आज और पता है, अरे एक बात, ये मनाली चौक पे वो लगाया है, क्या बोलते उसको, ट्रैफिक लाइट लगाया है, मतलब हमारा भागलपुर इतना ज़्यादा स्मार्ट सिटी बन चुका है। तो पिछले बार जब लगा था ना, बस एक दिन के लिए लगा था, क्योंकि कोई बड़े ऑफिसर आने वाले थे और पूरा ही जगह ट्रैफिक लाइट लगा था, और अगले दिन का है अब, लेकिन अभी तो मैं देख रही हूँ कि 10 दिन से ये लाइट लगा हुआ था, लगता है इस बार परमानेंट लग गया है, इसीलिए अच्छा है थोड़ा भागलपुर में भी ट्रैफिक सिस्टम आई थिंक अच्छा होने वाला है, हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो चलती हूँ, तो नींबू कैसे, ये वाला चलो पहले 20 का 3 है 4 दर्जन, इतना महंगा हो गया नींबू, यहाँ सस्ता आपको मिलेगा 20 का 3। तो मेरा शॉपिंग हो गया है, मतलब सत्यम का रोई भी मिल गया और मुझे पाव मिला, तो मैं पाव ले ली हूँ। अभी घर जाके भाजी बनाऊंगी, तो पाव भाजी एकदम मज़े में खाऊंगी। उसके बाद चिराग मिल जाना है मम्मी को लेके, एक काम है, मम्मी का एक साड़ी दिया हुआ है उसमें थोड़ा एम्ब्रॉयडरी का काम है, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद फिर आईब्रो भी बनवाने जाना है, मेरा आईब्रो भी बढ़ गया थोड़ा सा। सो चलती हूँ मैं घर, मुझे टोटो मिल गया है और टोटो आदमी एकदम ही खाली है, सही है यार, कभी कभी तो मतलब खाली रहता है तो वीडियो भी बन जाता है, जब भरा रहता है तो कितना अजीब सा लगता है, अगले के सामने वीडियो बनाओ तो एकदम मुंह ऐसे तकेंगे लगेगा जैसे क्या ही हो रहा है, मतलब कुछ नहीं हो सकता यार। यहाँ मेरा मस्त वाला प्लेटिंग हो गया, अब मैं इसको खाने चली। लो खा लो, देखो ये सोयाबीन का बच्चा है, वो एकदम सोयाबीन की तरह नहीं दिख रहा, ये है मछली का दाना जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, एकदम सोयाबीन का दाना की तरह, लो रखो ये उसका बच्चा, ये फुदका फुदकी, देखो कैसे फुदक रहा है, पलंग के नीचे जाएगा। ओए चल 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 अपने घर चल, चूँच गड़ाता है, बहुत बदमाशी कर रहा है। अरे 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 देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, बदमाशी दिख रहे हो, चलो 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 चलो। तो अभी मेरे पास है अखरोट, और ये अखरोट को मैं दांत से तोड़ने वाली हूँ, मैं दांतों का मजबूती दिखा दूँ। अरे वाह, पकड़ो छोटा वाला तुम्हारा, उसको निकाल दिया तो क्या दांत से तोड़े, आपको क्या झूठ लग रहा है, तुमने तो आप ही तरह बूढ़ा हो गए क्या, अभी जवान है। पियो, कैसा गंदा किया है, घर तुम बनाया है इसका, निकलने का पानी पी भी रहा है डर के मारे, देखो एक बार पानी पीता है एक बार शक्ल देखता है, वाह यही तो करता है, कटोरी में डुबकी लगाएगा अभी। देखो क्या बना रहे हैं, देख के डर लगा, लगा डर क्या है बताओ पहले, स्केलेटन है स्केलेटन। तो यहाँ एक प्रोजेक्ट है जो कि मेरा नहीं है, बताओ अब मेरा तो पहली बात बायो है ना, अगर मैं किसी और का बना रही हूँ तो उसको अच्छे से बताना चाहिए, अब मतलब कुछ और ये क्या बोलते हैं, हेडलाइन कुछ और हो गया और पेंटिंग कुछ और हो गया, मतलब जो भी बोलते हैं डायग्राम कुछ और हो गया, अब इसमें क्या करूँगी ना, एक वाइट पेपर छिपाऊंगी, इसके बाद जो भी टॉपिक है इसका वो लिखूंगी, जो भी होता है पता नहीं क्या। मेरा क्लिप कहाँ चला गया,
ये मेरे सर का स्टमक था, इसलिए मुझे क्या पता यार, बताओ तो मेरा थोड़ी ना बायो है, और मेरा बायो छोड़ा हुआ कितना साल हो गया, 4-5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। लास्ट 10th में मैं बायो पढ़ती थी, उसके बाद मेरा बायो का भी रहा नहीं, तो मुझे लगा शायद मतलब दिमाग के कोई नस से स्टमक में जाता ही होगा कोई ना कोई नस, तो मुझे लगा शायद स्टमक से रिलेटेड इसका कुछ हेडलाइन होगा, ये तो कुछ और ही हो गया। अब वो उसके ऊपर पेपर चिपकाऊंगी और जो है वो लिख देंगे अपना। फाइनली ये हो गया डन, लाइट में ज़्यादा सुंदर दिखेगा, मतलब ये लाइट के ऊपर तो इतना ज़्यादा ये करके रखिए ना, तो दिखाऊंगी आप लोगों को अब लाइट में। मैं ये 3 मेहंदी घोल रही हूँ, 3 पैकेट मेरे बाल में लग जाता है, मतलब बहुत दिनों के बाद मेरा मन किया है अपने बालों में मेहंदी लगाने का, तो अभी रात में दे देती हूँ फूलने के लिए, कल सुबह लगा लूँगी।